दोस्तों YouTube से आपको अपने चैनल से अर्निंग करने के लिए पैसे कमाने के लिए आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटे कंप्लीट होना चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर तो आप में से बहुत सारे लोग कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन 4000 वॉच टाइम घंटे कंप्लीट करने में भाई अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि जब दोस्तों आप लोग स्टार्टिंग पे यूट्यूब पर आते हो तो आप लोग सोचते हो कि भाई 4000 वॉच टाइम घंटे बहुत बड़ा चीज़ है, इसको भाई दो दो चार चार मिनट के जब हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो भाई जो ऑडियंस देखेगी एक दो मिनट, तो भाई उसको 4000 वॉच टाइम घंटा इतना बड़ा क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीके को जिन चीजों को फॉलो करके आप अपने चैनल पर इजीली तरीके से 4000 घंटे को वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे को पहले से फॉलो करते, जब मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो आप सभी को पता होगा मेरा चैनल कितना जल्दी ग्रो हुआ था, 4000 वॉच टाइम घंटा कितनी जल्दी कंप्लीट हुआ था। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आज की इस वीडियो में वो तरीके वो चीजें बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने चैनल का 4000 वॉच टाइम घंटा बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लोगे। दोस्तों स्टार्टिंग का जो 4000 वॉच टाइम घंटा आपके चैनल के लिए होता है वो एक बहुत ही बड़ा चीज होता है और उसको कंप्लीट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है उसके बाद तो भाई मैं आपको अपने चैनल का जो एनालिटिक्स होता है 28 दिन का उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 28 दिन में 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार का वॉच टाइम मिलता है। तो ये तो भाई जब चैनल ग्रो हो जाता है अच्छी खासी ऑडियंस हो जाती है तो आप एक एक दिन में 4000 वॉच टाइम घंटा कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन जो शुरुआत के 4000 वॉच टाइम घंटा आपके चैनल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि यूट्यूब क्राइटेरिया रखता है उसको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो तरीके जो चीजें मैं बताऊंगा उसको अगर आप लोग अपने चैनल पर फॉलो करने लगेंगे उन पे काम करने लगेंगे तो यकीनन मानो आपके चैनल का 4000 वॉच टाइम घंटा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और शो कर दूंगा, मैंने एक एक वीडियो से 20-20, 22-22 हज़ार घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया है। तो कैसे किया है, जो जो मैंने तरीके चीजों को फॉलो किया है आज के इस वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपके चैनल पर अभी तक 4000 वॉच टाइम घंटा नहीं कंप्लीट हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ नॉलेजेबल भी होने वाली। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हरदम कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताता हूं, हरदम आपको तरीके बताता हूं। क्योंकि YouTube पर कोई भी काम करने के लिए चाहे सब्सक्राइबर हो चाहे व्यूज हो चाहे वॉच टाइम हो चाहे जो भी काम हो, कोई भी काम करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होता, बस कुछ तरीके होते जिनको आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने पर इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, जैसे यहां पर मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कहीं पर कि मैंने दोस्तों एक एक वीडियो से 4000 के 10-10, 20-20 हज़ार घंटे को वॉच टाइम कंप्लीट किया। तो अगर आपको एक वीडियो से 4000 वॉच टाइम घंटे कंप्लीट करना आसान तरीके से, आप रगड़ना नहीं चाहते, बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर 4000 वॉच टाइम घंटे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको हरदम वायरल कंटेंट पर काम करना पड़ेगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं 2-3 पार्ट आपको एंड में या फिर बीच में बताऊंगा जो कि आपके चैनल पर 4000 वॉच टाइम घंटे कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, जो कि आपको बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बताते। बड़े बड़े यूट्यूबर आपको ट्रिक बताते ये करिए वो करिए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपको अपने चैनल पर वायरल कंटेंट अपलोड करना, यानी ट्रेंडिंग टॉपिक को अपलोड करना, ठीक है? जैसे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आया, उस चीज को अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो सिंपल सी बात है वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, वायरल कंटेंट है, तो आपके वीडियो पर व्यू जाएगा। और उस टाइम पे वो अगर वायरल होता तो उस पर अच्छा खासा व्यू जाएगा, जिसके कारण से आपके चैनल पर 4000 वॉच टाइम घंटा कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला तरीका है जो कि आपको फॉलो हरदम करना है। यूट्यूब पर एक्टिव रहना, देखना अब क्या यूट्यूब पर ट्रेंड में आता है, तो उस चीज को आपको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट जो कि आपके चैनल पर 4000 वॉच टाइम घंटा कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर काम तो करते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको 0 सब्सक्राइबर पर लाइव आने का ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है? अब आप में से बहुत सारे लोग केवल वीडियोस तो अपलोड करते हैं बट आप अपने चैनल पर लाइव नहीं आते, तो आपको हरदम अपने चैनल पर डेली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाइव आना है, जिससे आपके चैनल का 4000 वॉच टाइम घंटा बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इससे एक नहीं दो दो प्रॉफिट है। पहला कि जब आप अपने चैनल पर लाइव आएंगे तो आपकी जो ऑडियंस होगी वो कोई 10 मिनट कोई 20 मिनट कोई 30 मिनट रुकेगी, तो सबका वॉच टाइम काउंट होगा, जिससे आपको अच्छा खासा उस लाइव से वॉच टाइम मिलेगा। सेकंड पॉइंट की जो आपकी लाइव स्ट्रीम की जो रीच होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। आपकी लाइव स्ट्रीम का जो थंबनेल उसका इंप्रेशन यूट्यूब और ज्यादा भेजता है, नए लोगों के पास भेजता है, आपकी नई ऑडियंस के पास भेजेगा। तो अगर आपके लाइव पर कोई नया बंदा आता है तो उससे आपके चैनल पर भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, चैनल भी ग्रो होगा। यानी अगर आपका चैनल डेड वगैरह है व्यूज नहीं आता तो आप अपने चैनल पर लाइव आएंगे आपके चैनल पर वॉच टाइम भी मिलेगा और आपका चैनल भी ग्रो होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। और इस तरीके को इस चीज को फॉलो करके यूट्यूब पर आज के डेट पर बहुत सारे क्रिएटर अपने चैनल का 4000 वॉच टाइम घंटा कंप्लीट किया ही किए हैं, अपने चैनल को भी ग्रो करके आज के डेट पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरीके को जरूर फॉलो करिए, मजाक में मत लीजिए, अपने चैनल पर लाइव आइए, वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा,
चैनल भी ग्रो होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, तीसरे तरीके को, जो कि है दोस्तों आपके वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन। अब भाई इस चीज को ध्यान से गौर से समझिए, क्योंकि जब आप लोग यूट्यूब पर आते हो तो ऑडियंस रिटेंशन वगैरह के बारे में ध्यान ही नहीं देते हो कि CTR क्या होता है, ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है। सिंपल वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया और भाई पब्लिक कर दिया, टाटा डिस्क्रिप्शन लगा के पब्लिक कर दिया, व्यूज नहीं है, वॉचिंग नहीं है, भाई कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि आपकी वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है ये बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ऑडियंस रिटेंशन यानी आपकी वीडियो पर कोई बंदा आता है तो उस वीडियो को कितनी देर तक वॉच कर रहा है। आपका वीडियो अगर 5 मिनट का है या फिर 10 मिनट का है तो 10 मिनट के वीडियो पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपकी ऑडियंस रुकना चाहिए। अब वो 2 से 3 मिनट तक क्यों रुकेगी? जब आप अपने वीडियो पर कुछ ऐसा काम किए होंगे, कुछ चीजें सिखाए होंगे, कुछ चीजें बताए होंगे, जैसा भी आपका कॉन्टेंट है, जो भी कैटेगरी हो उससे रिलेटेड अगर परफेक्ट होगा तो सिंपल सी बात है आपकी ऑडियंस आपकी उस वीडियो को वॉच करेगी। और जब आपके वीडियो पर अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन आएगा तो सबसे पहली बात कि उस वीडियो से अच्छा खासा वॉच टाइम मिलेगा, सेकंड पॉइंट कि वो वीडियो आपका वायरल भी हो सकता है, जिससे एक ही वीडियो से आपको वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है। तो ये भी पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैनल पर 4000 वॉच टाइम घंटा कंप्लीट करने के लिए, जो कि है ऑडियंस रिटेंशन। और अगर आप लोग इसको सुधार लोगे तो आपके चैनल का इजीली जल्द से जल्द 4000 वॉच टाइम घंटे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दोस्तों आप अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करते हो, जैसे वायरल कंटेंट कोई अपलोड कर रहे हो या फिर कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, उस वीडियो की जो लेंथ है वो आपको थोड़ा सा बड़ी रखना है। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो बना देते हो तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपनी वीडियो की लेंथ 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट इस टाइप से आपको अपनी वीडियो की लेंथ रखना है। और लेंथ रख देने से केवल नहीं होगा, आपको अपनी वीडियो पर वो दम भी लाना है कि ऑडियंस उतना देर तक आपकी वीडियो को वॉच करे। मान लीजिए आपने अपने वीडियो को 12 मिनट का बना दिया बट आपकी वीडियो पर कोई 1 मिनट भी नहीं रुक रहा तो उस वीडियो से ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिलेगा, तो वॉच टाइम का तो सोचेगा ही नहीं। तो आपको अपनी वीडियो का लेंथ के साथ साथ आपको अपने उस वीडियो पर वैसा काम करना है कि ऑडियंस ज्यादा रुके। जब आप अपनी वीडियो का लेंथ ज्यादा रखेंगे, वैसा काम करेंगे तो आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा आएगा, और जब ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा आएगा तो वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। तो इस तरीके को जरूर फॉलो करेगा। और इसका खुद मैं अपने चैनल पर एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूं और एक प्रॉपर तरीके से एक शुरू में सस्पेंस क्रिएट करके कुछ, जब उस प्रकार से आप अपनी वीडियो को क्रिएट करेंगे तो आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा खासा आएगा, जिसके कारण से वॉच टाइम भी अच्छा खासा मिलेगा। इन चीजों को, इन तरीकों को दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटा करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पेड मोनेटाइजेशन कराते हैं, 4000 वॉच टाइम घंटा 1000 सब्सक्राइबर पैसे देकर करवाते हैं, बट पैसे देकर अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे तो उससे पैसे नहीं कमा पाओगे, अपने पैसे गंवा दोगे जो कि आपने मोनेटाइज करने में किया। तो ये तरीके थे, ये चीजें थी जिनको आपको फॉलो करना है अपने चैनल पर। और इसके अलावा भी जो कि हर एक क्रिएटर आपको बताता है, आपको पता ही होगा, अच्छे कंटेंट अपलोड करिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से करिए, SEO अच्छे से लिखिए, प्रॉपर डेली काम करिए, ठीक है, कंटिन्यू काम करिए। ये नहीं कि भाई 4 दिन वीडियो डाल दिया 6 दिन गैप, ठीक है, कंटिन्यू जब काम करेंगे आपके चैनल ग्रो होगा, वॉच टाइम कंप्लीट होगा। लेकिन जो रियल तरीके थे, जो जेन्युइन तरीके थे केवल वॉच टाइम कंप्लीट करने के, वो मैं आपको पहले ही बता दिया। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चैनल पर ये काम करेंगे, इन तरीकों को फॉलो करके आप अपने चैनल का जो 4000 वॉच टाइम घंटे का जो क्राइटेरिया है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो अगर इस वीडियो से कुछ आपको जानने को सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।